अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू गोश्त बनाने वाले हैं हम आज। उसके लिए मैंने पहले से चिकन को थोड़ा सा बॉईल कर लिया था ताकि उसमें से स्मेल निकल जाए। अब हम प्याज ब्राउन कर रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, टमाटर और थोड़ा सा हमने चिकन पाउडर इसमें डाला है। जैसे ही प्याज थोड़ी सी ब्राउन होगी हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे और मसालों को हम थोड़ा अच्छा सा भून लेंगे ताकि उसकी जो कच्चापन है वो निकल जाए। तकरीबन अब 5 से 10 मिनट आप इसको भूनें, उसके बाद फिर बचा हुआ मसाला भी हम पानी ऐड करके इसमें डाल देंगे। जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए आप इसके अंदर चिकन ना डालें, वरना मसाला सही से पकेगा नहीं। अब हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे चिकन को ताकि इसकी सारी स्मेल और निकल जाए और मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे जो हमने काट के रखे थे। आलू को तकरीबन 10 मिनट हम भूनेंगे इसके साथ। देख लें अच्छे से मसाला इसमें मिक्स हो गया है। आलू गोश्त बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ। हमने इसमें हरा धनिया डाला है। हरा धनिया हमने इसलिए डाला है ताकि हरा धनिया का टेस्ट अच्छा आ जाए सालन के अंदर। हम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अच्छा, जिस हिसाब से क्वांटिटी हो उस हिसाब से आप देख सकते हैं मसाले वगैरह अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने पानी ऐड किया है, थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब ये इसी में पकेगा, एक्स्ट्रा से और कुछ भी नहीं डालना है इसके अंदर। थोड़ा सी हरी मिर्चें डाली हैं कलर के लिए और टेस्ट के लिए। बस हमारा सालन जो है वो रेडी है। आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।